आज हम बनाने वाले हैं स्टीम कोरिएंडर रोल, स्टीम कोथिंबी रोड़ी। सबसे पहले हम लेंगे कोरिएंडर को चॉप करके उसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, फिर डालेंगे सॉल्ट, फिर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। ये ऐड करने के बाद उसमें हम डालेंगे बेसन, ये है हुआ चना दाल फ्लावर। सबसे पहले हम कोथिंबीर है उसमें ही डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा फ्लावर नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके फिर उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ज़रूरत लगेगी तो फिर से ऐड करेंगे। देखिए इसको अच्छे से मसल के ऐड करना है तो अच्छे से फ्लेवर सारे उसमें मिक्स हो जाएंगे। देखिए अभी अच्छे से वो कोरिएंडर के पानी में ही पूरा मिक्स हो गया है। तब इसमें अच्छे से थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से गोला जैसा बना लेंगे, क्योंकि वो अच्छे से शेप में आना चाहिए, रोल होना चाहिए। देखिए अभी वो अच्छे से शेप में आ रहा है। अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अभी हम इसको रोल जैसा बनाएंगे। इसको हम कुकर में स्टीम करने वाले हैं। तो एक प्लेट लेंगे, उसको ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद में हम वो रोल्स उसमें रख देंगे स्टीम करने के लिए। देखिए अभी हमारे रोल्स रेडी है, तो अब हम इसको कुकर में स्टीम कर लेंगे। देखिए अभी हमारे स्टीम हो गए हैं कोरिएंडर रोल्स। अभी ये कोथिंबीर वड़ी खाने के लिए रेडी है। अभी ये सर्विंग के लिए रेडी है, स्टीम कोरिएंडर रोल्स, स्टीम कोथिंबीर वड़ी।